हेलो गाइस, एक बार फिर आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं कर रही हूँ अनबॉक्सिंग ऑफ एक नई चीज़ जो हमने रियो के लिए ख़रीदा है। मैं आपको दिखाना चाहती हूँ मैंने क्या ख़रीदा है। मैं बॉक्स खोल रही हूँ, या अभी तक मैंने बॉक्स अभी आया है, मैंने खोला नहीं है, तो मैं खोल रही हूँ और देखते हैं हमने क्या ख़रीदा है रियो के लिए। रियो भी एक्साइटेड है, देखो रियो भी एक्साइटेड है। ये वो चीज़ है जिससे रियो को उड़ने में मदद मिलेगी। मैं नहीं जानती हूँ कितने लोग इस बारे में जानते हैं, तो मैं खोल रही हूँ। ये इम्पोर्टेड चीज़ है जो मैंने अमेज़ॉन से ख़रीदा है, जो बहुत अच्छा है और बहुत यूज़फुल आइटम है। जो भी पेट लवर है, बर्ड लवर है, उनके पास ये होना ही चाहिए। जो अपने बर्ड से प्यार करते हैं और चाहते हैं कि आपका बर्ड उनको छोड़ के कहीं उड़े नहीं, उनके साथ रहे, तो हमने ख़रीदा है। इसे कहते हैं हार्नेस। आप देख सकते हो बर्ड का पिक्चर दिया है। 8 मीटर तक एक बर्ड ये पहनकर उड़ सकता है। ये इम्पोर्टेड प्रोडक्ट है। ये बहुत अच्छी चीज़ है जो हम बर्ड के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये वो चीज़ है जो बर्ड जब के फेदर्स जब बड़े होते हैं, बर्ड्स के फेदर्स जब बड़े होते हैं, तो ज़रूरत है हमें उनको ऐसी चीज़ पहनाना जिससे वो उड़ के जाए। नहीं, अभी मेरा ऑलरेडी एक एक्सपीरियंस हो चुका है जिससे रियो एक बार उड़ के गया था और मुझे रेस्क्यू करना पड़ा। तो ये वो चीज़ है जो हम उसे पहना के बाहर लेके जाते हैं। आपने तो देखा है कुत्तों को चेन पहना के बाहर लेके जाते हैं, लीश पहना के, पट्टा या बेल्ट से बाहर लेके जाते हैं, ताकि वो भागे नहीं या उनको कहीं हम जैसे चल रहे वो हमारे साथ चले। उसी तरह से ये बर्ड के लिए बनाया गया है। इसे कहते हैं हार्नेस। हार्नेस इसमें मकाओ का पिक्चर दिया है, बट ये बर्ड मीडियम से, ये जो हार्नेस है ये मीडियम से लार्ज बर्ड को पहना सकते हैं। मैं खोल के दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए काफ़ी बड़ा है और काफ़ी अच्छा मटेरियल लग रहा है इसका। और ये स्पेशली उन लोगों के लिए काम आएगा जो अपने बर्ड्स के फेदर्स नहीं काटना चाहते हैं, जैसे कि मैं हूँ। मैं अपना बर्ड का फेदर नहीं काटना चाहती हूँ। मैं उनको नेचुरली ग्रो होना, मतलब मैं चाहती हूँ रियो नेचुरली ग्रो हो। मैं नहीं चाहती हूँ कि उसके फेदर्स काटे और उसको लिमिटेड फ्लाइंग एक्सपीरियंस हो। मैं चाहती हूँ वो दूर दूर तक उड़े और उड़ के वापस हमारे घर आए। उसके लिए स्टार्टिंग में ज़रूरी है कि उन्हें पता हो हमारा घर कहाँ पे है। वो पता होगा जब आप उसको बाहर ले जाएंगे, और अगर आप बाहर ले जाएंगे बिना हार्नेस के तो ऑब्वियसली वो उड़ गए तो वापस उनको आने होगा नहीं, क्योंकि वो बेबी बर्ड है, उनको आपका घर पता नहीं है, वापस कैसे आना पता नहीं है। तो इसलिए बेस्ट होता है हार्नेस लेना। हार्नेस जब आप पहनाओगे, यहाँ पे बर्ड का बॉडी आता है, तो आप जब हार्नेस बेबी बर्ड को पहनाओगे और उसको बाहर ले जाओगे, तो वो धीरे धीरे आपके एटमॉस्फेयर से उसको एक्सपीरियंस होगा। धीरे धीरे वो आपके आसपास के एरिया को देखेगा। धीरे धीरे उसे सब चीज़ें समझ में आएगी, और वो जब उड़ेगा तो वो उड़ के वापस आएगा। तो वो उड़ने का जो टाइम है, तब हम उसे ये हार्नेस पहना के अगर उड़ने देंगे, ये 8 मीटर तक जा सकता है। 8 मीटर होने के बाद ये बर्ड को खींचता नहीं, उसके गले में अटकता नहीं। इसमें देखिए आप, एक इलास्टिसिटी है जिससे बर्ड को एक एंड जाने के बाद वो वापस आ जाता है। तो ये करना बहुत ज़रूरी है उन बर्ड्स के लिए जिनके फेदर्स फुल्ली ग्रो हो चुके हैं और जो उड़ गए तो वापस आने का कोई गारंटी नहीं है। ऐसे बर्ड्स के लिए हार्नेस बनाया गया है, ताकि आप जैसे कुत्तों को बाहर वॉक पे ले जाते हैं, आप आपके बर्ड को बाहर फ्लाई के लिए ले जाइए। आप उसको बाहर लेके जाइए, नई जगह दिखाइए, नए जगह, आप एक्चुअली उनको बाहर आप घूमने जा रहे हो, तभी भी उसको ऐसे हार्नेस पहना के आपके शोल्डर पर बिठा के लेके जा सकते हैं। आपको एक डर नहीं होगा कि मैं अगर उसको से लेके खुला लेके गया, आउटसाइड बाहर लेके गए तो वो उड़ सकता है, ऐसा डर आपको नहीं होगा अगर आपने उसे हार्नेस पहनाया।
तो हार्नेस उसी लिए बनाया गया है। ये वीडियो हार्नेस कैसे पहनाना है और हार्नेस ट्रेनिंग कैसा करना है उस पर नहीं है, मुझे जस्ट हार्नेस का अनबॉक्सिंग करना था, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। मैं बहुत जल्द ये हार्नेस रियो पर कैसे पहनाना है, आपके बर्ड पे कैसे पहनाना है उसका वीडियो बनाऊंगी, और उसी के साथ हार्नेस ट्रेनिंग का वीडियो बनाऊंगी, और जब मैं हार्नेस पहना के रियो को बाहर ले जाऊंगी तब उसको एक वीडियो बनाऊंगी कि हार्नेस पहना के बर्ड उड़ता कैसा है, बाहर का उसका जो एक्सपीरियंस क्या है, उस पर मैं वीडियो जल्दी बनाऊंगी जिससे आपको पता चले इसके क्या फ़ायदे हैं। ये ज़्यादा महंगा नहीं है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनके पास ऑलरेडी बर्ड है। बर्ड हो तो आपको उसको बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करनी पड़ती है, जैसे उसके लिए खाना खरीदना पड़ता है, उसके लिए एक्स्ट्रा चीज़ें करनी पड़ती है, उसके लिए केज खरीदना पड़ता है, बास्केट खरीदना पड़ता है। ऐसे जैसे आप छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट करते हो जब आप एक पेट को घर लाते हो क्योंकि आप उसको कंफर्टेबल रखना चाहते हो, उसी तरह से एक हार्नेस पे भी आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपका बर्ड उड़ नहीं जाएगा, आपके पास रहेगा। इसके वजह से इस पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ये एक इम्पोर्टेड प्रोडक्ट है तो इसके वजह से इसका मुझे ये मुझे 1000 रुपीज़ में मिला है। भले ही 1000 रुपीज़ शायद एक बड़ा अमाउंट हो सकता है पर मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये मेरे लिए बहुत फ़ायदा देगा, मेरे लिए रियो मेरे साथ रहे, हेल्दी रहे, खुश रहे, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये 1000 रुपीज़ पे करते समय मुझे कुछ लगा नहीं, पर ये काफ़ी यूज़ हो सकता है। ये मीडियम साइज़ से लेके लार्ज बर्ड तक यूज़ कर सकते हैं। अभी रियो मीडियम साइज़ का बर्ड है, मेरे कॉकटेल्स मीडियम साइज़ के बर्ड है। अगर मैं आगे जाके कॉकटू लेती हूँ, मकाऊ लेती हूँ, तो वो लार्ज बर्ड है, तो उनको भी ये यूज़ होगा। इसमें एडजस्टमेंट है, बॉडी एडजस्टमेंट है, देखिए आप एडजस्ट कर सकते हो बॉडी के हिसाब से। और अगर आपका बेबी आपका बर्ड छोटा है, जैसे आपके पास बजीज है, लव बर्ड है, फेंचस है, वो बर्ड छोटे हैं, तो उनके लिए अगर आपको हार्नेस खरीदना है तो आपको XS साइज, एक्स्ट्रा स्मॉल साइज मिलेगा, S साइज़ मिलेगा। ये मैंने मीडियम साइज़ लिया है, इसमें लार्ज साइज़ भी है, मतलब बड़े, उससे बड़े अगर बर्ड्स हैं उनके लिए भी है, तो आप उस हिसाब से आपके साइज़ के हिसाब से आप खरीद सकते हो। मैंने मीडियम साइज़ लिया है। ये हार्नेस पहन के आपके बर्ड को कोई हार्म नहीं होगा। ये वेलवेट के मटेरियल से, सामने वाला जो पोर्शन है वो वेलवेट के मटेरियल से बनाया है, और पीछे वाला ये जो है ये इलास्टिक है, और ये भी नायलॉन जैसा बनाया है, तो ये काफ़ी स्ट्रांग, काफ़ी रगड़ है, और उसी साथ साथ आपके बर्ड के लिए बहुत जेंटल है। तो ये जब वो पहनेंगे तो उनको कोई हार्म नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ये आराम से वो पहन सकते हैं। इतना है कि आपको उनको ट्रेनिंग देना पड़ेगा ये पहनाने से पहले, ताकि वो पहनाते वक्त इरिटेट ना हो या डिस्टर्ब ना हो या उनको हड़बड़ाए नहीं, तो इसलिए उनको ट्रेनिंग देना पड़ेगा पहनाने से पहले। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ऐसे ही मेरी वीडियो देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आगे स्टे ट्यून्ड टू माई चैनल, ताकि आपको मैं हार्नेस ट्रेनिंग, हार्नेस कैसे पहनाना है, बर्ड्स को बाहर कैसे लेके जाना है, उस पर वीडियो बनाऊँ। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।